करोगे तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है स्टाफ, तो हम क्या करते हैं हम आपको ट्रेनिंग कर लेगा घर में भी होगा, हमसे सिखा देंगे आप इसके सीपीआर करें। जो स्टेप बताए थे वो हमें एक दफा बता दें, पढ़े लिखे लोग बता देते हैं चेक करो पेशेंट को करो, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं बता रहे पेशेंट भी होश एक निशानी है, दूसरे की वो सांस ले रहे कि नहीं ले रहे, पेशेंट अगर सांस नहीं ले रहे तो घर में तो पढ़े लिखे नहीं है, कितने सांस ले रहे कि नहीं, सांस नहीं ले रहे, सांस नहीं ले रहे मतलब बेहोश भी है, पेशेंट देखिए वो सांस ना ले रहा, बच्चे के अंदर पोजीशन ये होती है ना पाकिस्तान में हर जगह बहुत ऐसी आपको पार्क में मिलेगी, हर जगह विश्व में आपको मिलेगी, वो ऑटोमेटेड है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता है, आपने क्या करना है सीपीआर करें बंदा एडी लेके आएगा, आपने वो आपको सारा कुछ बताया कि आपने उसी प्रोसीजर के साथ करना है, जब वो कहते हैं अपने शॉप डिलीवर करो, जब भी आपने शॉप डिलीवर करना है आपने सबको ऑटा दिया, बस वहाँ से बटन दबा के उसको शॉप मिलेगा वी टी में वेंटिकुलर देखिए कार्डिया में जो पेशेंट ऑफिस द्वारा, अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आपने सीपीआर स्टार्ट किया और देखना अगर आपको नहीं पता पेशेंट वी टी है कौन सा, वो आपको खुद करेगी सर, वो एडी खुद एनालाइज करेगी, अगर आप लोगों को क्या पता इसको कौन सा वी टी है नहीं है, आपने लगाना है जरूरत पड़ेगी वो इंडिकेशन पूछे कि देखो हमारे पास वो बंदा है हमने करना है कैसे कि एडी लगाना है, अरे उसके पेशेंट को आप एडी करवा सकते हो, हमें पता कैसे पता चलेगा इसको, एक बेहोश हो बेहोश ये एक बेहोश हो दूसरे के सांस नहीं ले रहे ठीक है, और आप पढ़े लिखे तो आप पल्स चेक करें यहाँ से, सही अगर पल्स नहीं चेक कर सकते यहाँ तक तो पता चल जाता है कि पेशेंट सांस ले ही नहीं रहे, नहीं यार ठीक है कुछ होता है बेहोश लेकिन सांस तो ले रहा होता है सांस ले, लेकिन वो सांस ही नहीं ले रहे और बेहोश भी है, तो आपको पता चल जाए हम काम करेंगे, यही बस ये पता चल गया ना, ये दो चीज़ें तीन चीज़ें हमने देखनी है, एक सांस ना ले रहा हो, आपने एडी के अपने डिवाइस लगाई आपने सीपीआर कर रहे हो, सीपीआर पर उसके बाद वो बोलेगा आपको शॉक दो मैं हो जाओ सारे पे बिल्कुल सही, फिर वो कंप्लीट हो गया फिर अगेन सीपीआर स्टार्ट, फिर दो मिनट बाद आपको ये एडी बोलेगी वेरी गुड, वो किनके पेड़ लगे रहेंगे ना ठीक है, आपने कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ आपने पीछे तब बटन है जब आपको शॉक देना हो, शॉक के टाइम पे आपके लिए क्लियर करवाना है, डिवाइस पे खाली दो ही बटन है एक इनिशिएटर एक शॉक, बिल्कुल बाकी सब कुछ वो बताते हैं पेड़ लगाओ, अब आपके जिम्मे है कि मैं पेड़ कैसे लगाऊं, पेड़ के बीच तस्वीर बनी एक कॉलर बोन के नीचे लगाना है और एक यहाँ पे ये वाला कहाँ लगाना था देखो पेपर के नीचे लगा दूँ करके ठीक है, और एक इसमें कॉलर के ऊपर नहीं लगाने क्योंकि आपको इंडस्ट्री नहीं होती ठीक है, इधर लगाया और यूँ लगाया अच्छा ये लगा लेना सीपीआर देते रहना वो मशीन खुद ब खुद करती रहेगी, मशीन करती रहेगी लेकिन अगर आपने डिलीवर शो करना है वो आपके हाथ में शो तब हमने वो मशीन नहीं देगा, अब जब आपने एडी लगाई तो एडी आपको खुद बताएगी कि इसको देना है कि नहीं देना है, वो लगी रहेगी वो मतलब वो एक्टिव है हमारे साथ काम कर रही है वो एनालाइज करते रहेगी, आपको सेंटर बन रहे प्रोमिनेंट यहाँ करके यहाँ पे वेरी गुड, हाथ इधर को भी लोग कंप्रेशन दे सही करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थोड़ा सा स्मूथली करें ताकि आप जल्दी देखेंगे, अच्छा ये आप कंप्रेशन सही दे रहे थे लेकिन अच्छा। जल्दी जल्दी दे रहे थे 1 2 रुकना नहीं है स्मूथली करना है, अच्छा झुकना नहीं है नहीं रुकना नहीं है अच्छा स्मूथली करते रहने जल्दी जल्दी भी नहीं करनी है आपने, अच्छा एक रिदम रखना है एक रिदम रखना है 2 इंच तक कंप्रेस करना है ठीक है 2 3 4 करके जिसमें हमारे पास नेक का ट्रॉमा हुआ था, नेक का ट्रॉमा तो वो दो बंदों से होगा, वहाँ से वो उसको क्या करेगा सही अच्छा टंग फिर यहाँ से यू करके इसको ब्लड देना है, कभी कभी टंग आ जाती है फिर उनको कैसे करें मतलब कभी 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 ऐसा नेक को हमने कहाँ से होल्ड किया जी, नेक को कहाँ से होल्ड करना है यहाँ से यहाँ जो के नीचे से इसको नीचे करना है, अच्छा इसको ऊपर इसको वेरी गुड ऐसे ही है ठीक है मतलब ऐसा वेरी गुड
क्योंकि यहाँ पे इसको ज़्यादा ट्रस्ट है, तो आपने ज़्यादा इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, मूवमेंट नहीं देना, यहाँ से ही हो गया ना, ऐसे यूँ करना है। अच्छा, चीन के नीचे तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि दो दिन 3-2-1